फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि पास आ रहे हैं, नवरात्रि व्रत के फलाहार के लिए मैं कुछ कम कैलोरीज वाली रेसिपीज लेकर आ रही हूँ, जो हेल्दी तो है ही, साथ ही बनाने में भी बहुत आसान है। तो आज हम बनाएंगे दो डिश, एक मीठी और एक नमकीन। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखी है और हम बनाने जा रहे हैं कुटू का उपमा। और हम कढ़ाई में डालेंगे एक छोटी चम्मच देसी घी। घी गरम हो रहा है, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा चटक रहा है। जीरे के चटकने के बाद हम डालेंगे इसमें आधा कप रोस्टेड कूटू का आटा। इसको मैंने पहले ही कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया, यानी सूखा भून लिया है, तो इसलिए हमें अब उपमा बनाते समय इसको दोबारा ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं होगी। ये आधा कप कूटू का भुना हुआ आटा इस घी में डाल दिया है, इसको थोड़ा भून लिया है। देखिए, पहले से भुना होने से इसका रंग चेंज है। इसमें डाल देंगे हम आधा चम्मच के करीब सेंधा नमक, चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको थोड़ा चला लेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे करीब 1.5 कप पानी। पानी ऐड करके इसको हम चलाएंगे। ये देखिए कितनी जल्दी से हमारा कूटू का उपमा तैयार हो गया है। और ये जल्दी से तैयार इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पहले से ही कूटू को भून करके रख लिया। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर वो थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ले। अब हम इसको सर्व करें। उपमा तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक कटोरी में सर्व करेंगे। आधा कप कूटू के आटे में 2 लोगों के लिए उपमा बन जाएगा। ये देखिए, मैंने थोड़ा उपमा इसमें ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये पीनट्स हैं, ये ड्राई रोस्ट मैंने पहले से ही कर लिए थे और इनका छिलका हटा लिया था। आप छिलके सहित भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी ये मूंगफलियां इसमें डालूंगी जो भुनी हुई है। इसके ऊपर हम डालेंगे अब नींबू का रस। नींबू के रस से ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर हम मिर्च डालना चाहते हैं तो इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है कूटू के आटे का उपमा। थाली में आज हमारी कूटू के आटे का उपमा है और इसके साथ में एक मीठी डिश भी है। मीठी डिश बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप टोन मिल्क की कर्ड। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 पके हुए केले स्लाइस किए हुए, 10 से 15 किशमिश और ये पिसी हुई चीनी है। अगर आपको पसंद है ज्यादा मीठा तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दें। मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, केला, दही और किशमिश ये सभी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, एनर्जेटिक हैं और इससे आपका पेट भी व्रत में भरा रहेगा। तो ये तैयार हो गई है मीठी डिश।